हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन के पार्ट वन में, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रिलिंग मशीन के थ्योरी एंड मैथमेटिकल टर्म के बारे में, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट ड्रिलिंग। ड्रिलिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग सर्कुलर होल और वर्कपीस बाय यूजिंग ए रोटेटिंग कटर इज कॉल्ड ड्रिल। ड्रिलिंग ऑपरेशन किसी भी वर्कपीस पे होल प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग रोटेटिंग कटर, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिल। इट इज अ 3D ऑब्लिक कटिंग, ये 3D ऑब्लिक कटिंग होता है। द मशीन इज यूज फॉर ड्रिल इज कॉल्ड ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल करने के लिए हम लोग जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिलिंग मशीन। द ड्रिल्स आर मेड ए बाइट स्मॉलर सो डैट देयर इज सम मार्जिन फॉर रिमिंग। द ड्रिलिंग ऑपरेशन आल्सो बी अकॉम्प्लिश्ड इन लेथ इन विच द ड्रिल इज हेल्ड इन टेल स्टॉक एंड वर्क पीस इज हेल्ड बाय चक। ड्रिलिंग ऑपरेशन को लेथ मशीन पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा ड्रिल होगा वो टेल स्टॉक पे होगा और वर्कपीस होगा चक पे। द मोस्ट कॉमन ड्रिल इज़ यूज्ड ट्विस्ट ड्रिल, मोस्टली जो ड्रिल का यूज़ होता है वो ट्विस्ट ड्रिल का यूज़ होता है। ड्रिल साइज इज टाइपिकली मेजर्ड अक्रॉस द ड्रिल पॉइंट्स विद अ माइक्रोमीटर, ड्रिल साइज को मेजर करने के लिए मोस्टली माइक्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं अबाउट ड्रिलिंग मशीन। इट इज़ सिंपलेस्ट एंड एक्यूरेट मशीन यूज्ड इन प्रोडक्शन शॉप, ये एक सिंपलेस्ट एंड एक्यूरेट मशीन है जिसका यूज़ प्रोडक्शन शॉप पे किया जाता है। द वर्क पीस हेल्ड स्टेशनरी डैट मीन्स क्लैम्प्ड इन पोजिशन एंड ड्रिल रोटेट टू मेक अ होल, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन में वर्क पीस फिक्स होता है और जो ड्रिल है वो रोटेट करता है और होल प्रोड्यूस करता है। अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ड्रिल। ओके, तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेस्ड पे ये होता है पोर्टेबल, सेंसेटिव, रेडियल, अपराइट, गैंग एंड मल्टी स्पिंडल ड्रिल। द सेकेंड इज़ बेस्ड ऑन द फीट, इसमें आता है हैंड एंड पावर ड्रिवन। अब डिस्कस करते हैं ड्रिलिंग मटेरियल के बारे में। ओके, द मोस्ट कॉमन टाइप इज हाई स्पीड स्टील एंड कार्बन स्टील, मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल इज हाई स्पीड स्टील एंड कार्बन स्टील बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट। सेकेंड है कार्बाइड ड्रिल बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन इन CNC मशीन। अदर टाइप इज सॉलिड कार्बाइड ड्रिल, टाइटेनियम नाइट्रेट कोटेड ड्रिल, ये जो TIN है ये होता है टाइटेनियम नाइट्रेट, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड टाइनाइट, कभी कभी इसको हम टाइनाइट भी बोलते हैं। टाइटेनियम नाइट्रेट एक पाउडर के फॉर्म में होता है और ड्रिल के ऊपर इसका कोटिंग करते हैं। टाइटेनियम नाइट्राइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है और इसका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल होता है और ये ऑर्डरलेस होता है। द नेक्स्ट इज पैराबोलिक ड्रिल एंड स्प्लिट पॉइंट ड्रिल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ये हमारे पास ट्विस्ट ड्रिल है, तो इसको हम बारी बारी से समझते हैं कि कौन से पार्ट का क्या नाम है और उसका क्या फंक्शन है। सबसे पहले हमारे पास आता है शंक। इट्स द पार्ट डैट ऑफ इट्स मशीन स्पेंडल और एनी अदर होल्डिंग डिवाइस, ये हमारे पास शंक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम बोलते हैं शंक। इसको हम मशीन के अंदर होल्ड करते हैं। ओके, जो हमारे पास ड्रिलिंग मशीन होता है उसके अंदर ये शंक लगा होता है, इस शंक वाले पार्ट को मशीन के अंदर ग्रिप किया जाता है। ओके, तो ये पार्ट मशीन के अंदर लगा होता है और बाहर में ये पार्ट होता है, और ये शंक जो है या तो टेपर्ड होगा या फिर स्ट्रेट होगा। अब इसके बाद आता है मार्जिन, ये हमारा मार्जिन है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंड, इट इज़ द नैरो सर्फेस ग्राउंड ऑन द एज ऑफ द फ्लूट्स, ये जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लूट्स, और ये जो फ्लूट्स है इसके गड्ढा टाइप के जो ऊपर सबसे सर्फेस है इसी सर्फेस को हम बोलते हैं मार्जिन। ओके, तो ये गड्ढा वाला जो बना हुआ है इसको फ्लूट्स बोलते हैं, और इसका जो सर्फेस होता है सबसे ऊपर का कॉर्नर पार्ट इसी को हम बोलते हैं मार्जिन।
twist drill is aligned with the help of land. Next हमारे पास होता है body, ये हमारा body होता है, okay? It is main part of drill. Body जो होता है ये drill का main part होता है. It has spiral flutes on it. और body के ऊपर spiral flutes कटे होते हैं. Next हमारे पास है flutes. ये flutes क्या होता है? These are the helical grooves cut on the body of the drill. Okay. Drill के body के ऊपर जो helical grooves कटे होते हैं इसी को बोलते हैं flutes. ये जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है यही होता है flutes. Okay. तो flutes का function क्या होता है? आखिर drill के ऊपर इस टाइप का helical grooves क्यों बनाया जाता है? देखते हैं इसका function. To make the chips is curl. Okay. Chips को curl बनाने के लिए. To allow chips to escape. हम लोग जानते हैं कि drilling machine जो होता है वो workpiece के अंदर जाके hole produce करता है, hole को cut करता है. तो वहाँ पे इतना space नहीं होता है कि वहाँ से chips बाहर निकले. जब ये मतलब वो hole create करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से chips बाहर निकलेगा. तो ये hole के अंदर इतना space होता नहीं है कि वो chips को बाहर निकाल पाए. So उसके लिए इस flutes का use करते हैं. यहाँ पे helical grooves बनाया जाता है ताकि जो भी material remove होगा workpiece से वो इस flutes के through बाहर निकल पाए. And to allow cutting flute to reach the cutting edge. और हमें cutting edge तक यदि cutting flute पहुँचाना हो तो उसके लिए भी हम लोग flutes का use कर लेते हैं. यहाँ पे cutting flute डालते हैं और ये helical grooves के through क्या होता है कि ये cutting edge तक cutting flute को पहुँचा देता है. Okay? तो ये function होता है flutes का. यहाँ पे हमारे पास होता है wave. ये wave का क्या काम है? तो ये cutting edge को support करने का काम करता है. इसके बाद हमारे पास है कटिंग एज. ओके, ये हमारा कटिंग एज होता है. इसी कटिंग एज के हेल्प से मेटल रिमूव होता है वर्कपीस से. ओके, द नेक्स्ट इज आवर पॉइंट. पॉइंट इज द कॉनिकल एंड ऑफ द ड्रिल. पॉइंट ड्रिल का सबसे लास्ट पॉइंट है और ये कॉनिकल शेप का होता है. ओके, इट इज शेप्ड इज प्रोड्यूस्ड लिप फ्लैंक एंड डेड सेंटर. ये जो नीचे में फिगर दिख रहा है ये ट्विस्ट ड्रिल का एंड व्यू है. ओके, तो अब देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या है. तो चलिए देखते हैं. ये जो फ्लूट्स के सबसे ऊपर का सरफेस है इसको हमने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और फ्लूट्स के नीचे का जो सरफेस है उसको हमने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया है. ओके, और इस दोनों सर्कल के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं बॉडी क्लीयरेंस. ओके, तो ये फ्लूट्स है. फ्लूट्स का जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस है उसी को दिखाए हैं दोनों सर्कल से और इसके बीच को गैप, इसके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं बॉडी क्लीयरेंस. व्हेन ड्रिल बिट वर्किंग ऑन द वर्क पीस देन इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन. जब ड्रिल बिट वर्क पीस पे वर्क कर रहा होता है मतलब ड्रिलिंग कर रहा होता है तो बॉडी क्लीयरेंस ही इसको फ्रिक्शन से बचाता है. ओके, और ये हमारे पास होता है मार्जिन. तो मार्जिन के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं. द नेक्स्ट इज चीजल एज. चीजल एज को ये बोलते हैं डेड सेंटर. ओके, इट इज नॉट यूज्ड फॉर कटिंग पर्पस. चीजल एज या फिर डेड सेंटर का यूज कटिंग पर्पस के लिए नहीं किया जाता है. इट इज केप्ट ऑन द सेंटर ऑफ वर्क पीस टू मेक इजली एंड एक्यूरेट होल्स. डेड सेंटर कटिंग के काम नहीं आता है, इसको सेंटर पे रखते हैं ताकि होल्स को इजीली बना सके. इसको वर्कपीस के ऊपर एक्यूरेट पॉइंट पे रखते हैं ताकि होल परफेक्ट बने. ये होता है हील और ये होता है लिप. ओके, लिप एक्चुअली कट द मटेरियल. ये लिप जो होता है ये मेनली मटेरियल को कट करने के लिए यूज में लाया जाता है. ओके, ये जो कटिंग एज है ये कटिंग एज होता है. ओके, ये इसी को लिप भी बोलते हैं और यही क्या करता है कि मेटल को रिमूव करता है वर्कपीस से जब हम ड्रिलिंग मशीन करते हैं. देयर आर टू लिप. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो लिप होता है. देयर आर इक्वली इंक्लाइंडेड एट 5 डिग्री विद द ड्रिल एक्सिस फॉर द जनरल वॉक. और ये जो हमारे पास लिप होता है ये दो लिप होता है. ओके, ये लिप भी है और ये लिप भी है और यहाँ भी देख सकते हैं ये भी है और ये भी है. दो लिप होता है और इसका जो एंगल होता है वो 5 डिग्री होता है जनरल वर्क के लिए. और ये जो 5 डिग्री एंगल होता है वो ड्रिल एक्सिस से होता है. ओके,
ड्रिल एक्सिस क्या है, तो ये हमारे पास ड्रिल है और इसके बीच वाला जो पार्ट होगा डैट मीन्स ये सेंटर जो होगा इसको बोलेंगे ड्रिल एक्सिस। ओके, ये बीच से एक लाइन गुजरेगा इसको बोलेंगे ड्रिल एक्सिस, और यहीं से क्या होता है कि लिप का एंगल 5 डिग्री दिया जाता है। अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट एंगल इन ड्रिलिंग। हमारे पास ये कोई ड्रिल है, ये ड्रिल का एक्सिस है, ओके, और ये कोई सरफेस है, और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि ड्रिल के परपेंडिकुलर है, ओके, और इस ड्रिल के ऊपर ये फ्लूट्स कटे हुए हैं, ये फ्लूट्स कटे हुए हैं ड्रिल के ऊपर, ओके। तो यहाँ से लेकर के सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पॉइंट, ओके, इसको बोलते हैं लिप, ये हमारे पास लिप होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं लिप डिस्टेंस। ड्रिल एक्सिस, ये हमारा है ड्रिल एक्सिस, ड्रिल एक्सिस और फ्लूट्स के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल, ओके, या फिर इसको रैक एंगल भी बोलते हैं। अब यदि इस लिप को हम इधर आगे बढ़ा दें और इस लिप को इधर आगे बढ़ा दें तो इसको बोलते हैं फ्लैंक, ओके, तो ये इसके बीच और इसके बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल, या फिर इसको कटिंग एंगल भी बोलते हैं। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था ये लाइन है, ये ड्रिल के परपेंडिकुलर है, इसके बीच और ये फ्लैंक के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैक एंगल के बारे में, ओके। रैक एंगल इज़ द एंगल बिटवीन द फेस एंड द लाइन पैरेलल टू द ड्रिल एक्सिस। फेस या फिर इसको फ्लूट्स भी आप कह सकते हैं, ड्रिल के एक्सिस और फेस के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रैक एंगल। रैक एंगल इन ड्रिलिंग मशीन इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ड्रिलिंग मशीन में रैक एंगल पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है। पॉजिटिव फॉर राइट हैंड फ्लूट, नेगेटिव फॉर लेफ्ट हैंड फ्लूट एंड जीरो फॉर पैरेलल फ्लूट। डायग्राम में हमने रैक एंगल देखा था, वहाँ पर यदि हम रैक एंगल जीरो कर देंगे तो जो हमने फ्लूट देखा था तो फ्लूट क्या होगा, बिल्कुल ही ड्रिल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, ओके। सो जीरो रैक एंगल जो होता है वो पैरेलल फ्लूट के लिए होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इज क्लियरेंस एंगल। एंगल बिटवीन द फ्लैंक एंड प्लेन नॉर्मल टू द ड्रिल एक्सिस। ड्रिल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उसके बीच और फ्लैंक के बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल 8 टू 12 होता है फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड 6 टू 9 फॉर ब्रिटल मटेरियल। अब देखते हैं हेलिक्स एंगल, ओके। हेलिक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन द लीडिंग एज ऑफ द लैंड एंड एक्सिस ऑफ ड्रिल्स। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज ए स्पाइरल एंगल। दिस हेलिक्स रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव कटिंग एंगल, ओके, एंड दिस एंगल इज इक्विवेलेंट टू बैक रैक एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। हेलिक्स एंगल बैक रैक एंगल के बराबर होता है इन द केस ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। हेलिक्स एंगल 20 to 35 मोस्ट कॉमन इसका यूज किया जाता है। हेलिक्स एंगल मोस्टली 3 टाइप में यूज किया जाता है। द फर्स्ट इज लार्ज हेलिक्स, इसमें क्या होता है कि 45 से 60 डिग्री सुइटेबल फॉर डीप होल एंड सॉफ्टर वर्क मटेरियल। लार्ज हेलिक्स में 45 से 60 डिग्री एंगल का यूज़ किया जाता है और मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है डीप होल के लिए एंड सॉफ्टर वर्क मटेरियल। यदि मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट हो या फिर डीप होल करना हो तो उसके लिए हम लार्ज हेलिक्स एंगल का यूज़ करते हैं। द सेकेंड इज स्मॉल हेलिक्स फॉर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर मटेरियल। यदि वर्क मटेरियल बहुत ही हार्ड या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए स्मॉल हेलिक्स एंगल का यूज़ करेंगे। द थर्ड इज जीरो हेलिक्स स्पेड ड्रिल फॉर प्रोडक्शन ड्रिलिंग माइक्रो ड्रिलिंग एंड हैंड वर्क मटेरियल। हेलिक्स एंगल जीरो तभी होता है जब बहुत ही छोटा होल करना हो, माइक्रो ड्रिलिंग होल करना हो या फिर हैंड वर्क से भी कोई काम करना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जीरो हेलिक्स एंगल का यूज़ करते हैं। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट एंगल के बारे में, ओके। पॉइंट एंगल क्या होता है, पॉइंट एंगल के बारे में बता ही चुके हैं। द पॉइंट एंगल इज सेलेक्टेड टू सूट द हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग ड्रिल। जब मटेरियल बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल हो तो
तो उस केस में पॉइंट एंगल का यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही मेन रोल प्ले करता है इन द केस ऑफ हार्ड मेटल एंड ब्रिटल मेटल ड्रिलिंग ऑपरेशन. हार्डर मटेरियल हैव हायर पॉइंट एंगल एंड सॉफ्टर मटेरियल हैव लोअर पॉइंट एंगल. यदि वर्क मटेरियल बहुत ही हार्ड होगा तो उसके लिए हायर पॉइंट एंगल का यूज़ करेंगे और यदि वर्क मटेरियल सॉफ्ट होगा तो उसके लिए लोअर पॉइंट एंगल का यूज़ करेंगे. ओके एंड इंक्रीजेस इन द ड्रिल पॉइंट एंगल लीड्स टू एन इंक्रीज इन द थ्रस्ट फोर्स. यदि हम ड्रिल का पॉइंट एंगल इंक्रीज करेंगे तो थ्रस्ट फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा एंड अ डिक्रीज इन द टॉर्क ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द ऑर्थोगोनल रैक एंगल. और यदि हम ऑर्थोगोनल रैक एंगल को इंक्रीज करते हैं तो टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा. ओके तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन मार्क्स में आ सकता है. इसमें सिंपली है कि यदि हम पॉइंट एंगल को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और ऑर्थोगोनल रैक एंगल को हम इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा. ओके बस इस पॉइंट को याद रखना है. स्टैंडर्ड पॉइंट एंगल इज 118 डिग्री. इट इज 116 टू 118 फॉर मीडियम हार्ड स्टील एंड कास्ट आयरन. इट इज 125 फॉर हार्ड एंड स्टील एंड इट इज 130 टू 140 फॉर ब्रास एंड ब्रॉन्ज एंड इट इज़ ओनली 60 फॉर वुड एंड प्लास्टिक. वुड प्लास्टिक केस में इसमें सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री एंगल का यूज़ किया जाता है. ओके तो अब हम ड्रिलिंग मशीन के कुछ न्यूमेरिकल पार्ट पे भी डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज़ कटिंग स्पीड. इट इज़ पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ड्रिल. कटिंग वेलोसिटी होता क्या है, तो ये होता है वी इज इक्वल टू पाई डी एन, जहाँ पे डी क्या है डायमीटर ऑफ द ड्रिल इन मीटर एंड एन है स्पीड ऑफ रोटेशन इन आरपीएम. और यहाँ पे जो कटिंग स्पीड है इसका यूनिट होगा मीटर पर मिनट. ओके मीटर पर मिनट. यदि आपको सेकेंड में आंसर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे वी इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है. यदि आंसर में मीटर पर सेकेंड में इसका कटिंग वेलोसिटी पूछ रहा है तो यहाँ पे कर देंगे वी इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइड बाय 60 कर देंगे. ओके द नेक्स्ट इज फीड रेट. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रिल अलॉन्ग द एक्सिस इन आरपीएम. नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ कट. द डिस्टेंस फ्रॉम द मशीन सरफेस टू द ड्रिल एक्सिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट. ओके और ये होता क्या है, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई टू, जहाँ पे स्मॉल डी क्या है ये डेप्थ ऑफ कट है और कैपिटल डी क्या है तो डायमीटर ऑफ ड्रिल. ओके अब डिस्कस करेंगे मटेरियल रिमूवल रेट इन ड्रिलिंग मशीन. इट्स द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड बाय द ड्रिल पर यूनिट टाइम. इसका जो फॉर्मूला होता है MRR का, ओके इन द केस ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ये होता है पाई डी स्क्वायर इंटू एफ इंटू एन डिवाइड बाई फोर और इसका यूनिट आता है मिलीमीटर क्यूब पर मिनट, जहाँ पे डी होता है डायमीटर ऑफ ड्रिल, एफ होता है फीट एंड एन होता है स्पीड ऑफ रोटेशन इन आरपीएम. ओके द नेक्स्ट इज मशीनिंग टाइम. इट्स डिपेंड अपॉन द लेंथ एल ऑफ द होल टू बी ड्रिल्ड टू द स्पीड एंड फीट एफ ऑफ द ड्रिल. ओके और इसका फॉर्मूला हो जाता है टी इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई एफ एन और यूनिट इसका आता है मिनट में, जहाँ पे एल क्या होता है तो एल होता है लेंथ ऑफ द होल टू बी ड्रिल, जो भी हम उसका ड्रिल कर रहे हैं, एफ होता है फीट एंड एन होता है स्पीड. ओके स्पीड ऑफ रोटेशन. अब डिस्कस करते हैं प्रिकॉशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन. प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी, तो ड्रिलिंग मशीन के दौरान हमें क्या क्या सावधानी रखना है इस पर हम डिस्कस करते हैं. ओके लुब्रिकेशन इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव हीट एंड फ्रिक्शन. यहाँ पे मोस्टली लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं ड्रिल बिट और वर्कपीस के बीच में, क्योंकि ये हीट और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिमूव करता है. ओके मशीन शुड बी क्लीन्ड आफ्टर यूज्ड. जब मशीनिंग प्रोसेस हो जाए तो इसको फुली क्लीन करना पड़ता है. चिप्स शुड बी रिमूव्ड बाई यूजिंग ब्रश. ओके और फिर जब मशीनिंग हो जाए तो ब्रश का यूज़ करके जितना भी चिप्स है उस चिप्स को रिमूव करते हैं.
T-slots, grooves, spindles, sleeves, belt, pulley should be cleaned. और जितने भी यहाँ पार्ट्स हैं उस सभी को क्लीन करना पड़ता है, ये बहुत ही जरूरी है. मशीन शुड बी लाइटली ऑयल्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग. मशीन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम ऑयल का भी यूज़ करते हैं थोड़ा सा. ओके, द लास्ट इज डीप होल ड्रिलिंग रिक्वायर्ड स्पेशल प्रिकॉशंस टू टेक केयर ऑफ द रिमूवल ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चिप्स. तो ये था हमारा ओवरऑल थियोरेटिकल पार्ट ऑफ ड्रिलिंग मशीन. ओके, हमने ड्रिलिंग मशीन के बारे में सब पॉइंट कवर किया है, जितना भी मेन मेन पॉइंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू वो सभी को हमने कवर किया है और हर चीज़ पे हमने डिस्कशन किया है. जो भी हमें ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानना जरूरी है वो सभी पॉइंट हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है और उस सभी पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन. ड्रिलिंग मशीन का कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, शायद 5 to 6 है, तो उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे. नेक्स्ट लेक्चर ड्रिलिंग मशीन के ऑपरेशन भी बनाएंगे, ताकि ड्रिलिंग मशीन का कौन कौन सा ऑपरेशन है, वो कैसे कैसे काम करता है, आप लोग को पता होना चाहिए. तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.